नमस्कार, मैं स्नेहा, आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 24। आई नजर आते दिन भर की कुछ खास खबरों पर। कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा नहीं रहे, दो बार मध्य प्रदेश के सीएम रहे वोरा का 93 साल की उम्र में निधन। 18 साल कांग्रेस के कोषा अध्यक्ष थे। बैटल ऑफ बंगाल, शाह के रोड शो के जवाब में ममता भी बीरभूम में रैली करेंगी, बोली भाजपा चीटिंग बाज पार्टी। कोरोना देश में महाराष्ट्र के सभी शहरों में कल से नाइट कर्फ्यू, 162 दिन बाद आज एक्टिव केस 3 लाख से कम हो सकते हैं। इंडो जापान संवाद कॉन्फ्रेंस, मोदी ने कहा दुनिया भर में मौजूद बुद्ध की साहित्य पर भारत में लाइब्रेरी बनने को तैयार। राहत की खबर, स्वास्थ्य मंत्री ने कहा देश में जनवरी से वैक्सीनेशन शुरू हो सकता है, शायद महामारी का सबसे बुरा दौर खत्म हुआ। किसान आंदोलन का 26वां दिन, सिंधु बॉर्डर पर एक और किसान ने सुसाइड की कोशिश की, कहा इसके जिम्मेदार सिर्फ मोदी और शाह हैं। ठिठुर रहा उत्तर भारत, एमपी में सिवनी को छोड़ पूरे राज्य में तापमान 10 डिग्री से नीचे, राजस्थान के 18 शहरों पर यही हाल। अयोध्या में कब बनेगा राम मंदिर, भूमि पूजन के 138 दिन बाद आज रिपोर्ट देगी कमेटी, जमीन के नीचे बालू पानी होने से निर्माण टल रहा है। बीपीएससी पीटी 27 दिसंबर को, ना तारीख बदलेगी ना सेंटर, कोरोना गाइडलाइन से बढ़े 78 सेंटर, 88 एडमिट कार्ड डाउनलोड। बॉलीवुड में ड्रग्स, एनसीबी ने दूसरी बार 6 घंटे तक की अर्जुन रामपाल से पूछताछ की, सिडेटिव ड्रग्स लेने को लेकर कई सबूत मिले। खास खबरों में फिलहाल इतना ही, देश और दुनिया से जुड़ी बाकी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज प्लस 24। नमस्कार।